हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राघव सर डॉट कॉम में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन और कार्बन के यौगिक यानी कार्बन परमाणु से बने यौगिक को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ईंधन मतलब जलाते हैं, उनसे ऊर्जा, ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? या ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि जितने भी ईंधन हैं सब कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्यों? चलिए देखते हैं कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल हम अपने घरों में कर रहे हैं। ये पहचान में आ गया होगा, ये है LPG। और LPG का सूत्र पता है? LPG जो होती है वो ब्यूटेन होती है, C4H10। तो है ये कार्बन का यौगिक, इसमें कार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपने देखा है गांवों में, इसे गोबर गैस संयंत्र कहते हैं। इसमें बनने वाली गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहा जाता है, जिसका मुख्य घटक होता है मैथेन CH4। ये भी कार्बन का यौगिक है, इसका उपयोग भी हम खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। ये देखिए, ये पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ईथर, ये भी चीजें बाजार में हैं जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है वाहनों में, है ना। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये जीवाश्म ईंधन है, जमीन के अंदर से निकाले गए, ये हाइड्रोकार्बन है, बड़ी बड़ी श्रृंखला वाले कार्बन और हाइड्रोजन से बनी होगी, तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। और देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये है बायो एथेनॉल। आजकल आपको जाएंगे, आप कहीं भी घूमेंगे तो आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे जहां बायोफ्यूल लिखा हुआ रहता है ना, बायो डीजल, बायो पेट्रोल। तो ये कैसे बनाया जाता है बायोफ्यूल? ये वास्तव में लकड़ियों से, पौधों से, खरपतवार से, जो अनाज का जो भूसा निकलता है उससे इसको तैयार किया जाता है। खासकर ये गन्ने से तैयार होता है, गन्ने के रस से शक्कर बना ली जाती है, और जो शक्कर बनाने के बाद जो गाढ़ा तरल घोल बच जाता है जिसे अपन सीरा कहते हैं, उसमें ईस्ट पाउडर डालकर उससे एथेनॉल बनाया जाता है। तो C2H5OH जो एक बायोफ्यूल है, एथेनॉल नाम है इसका, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। आजकल इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जा रहा है। और ये प्रयोगशालाओं में, ये स्प्रिट लैंप है, इसके अंदर स्प्रिट का प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर प्रयोग किया जाने वाला स्प्रिट या मेथनॉल, ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो हमने देखा कि हम अपने दैनिक जीवन में, घरों में, अपने चारों ओर किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में वो गुण है। कौन कौन से गुण है? पहली बात, कार्बनिक यौगिकों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ज्वलन ताप कम यानी बहुत आसानी से जल जाते हैं, और एक बार इनको जला दो तो फिर इन्हें, ये अपने आप स्वतः लगातार जलते रहते हैं। हमने देखा हमारे घरों में सिलेंडर जरा सी लाइटर की जरा सी चिंगारी से जल जाता है, तो इनका ज्वलन ताप कम होता है, ये आसानी से जल जाते हैं और फिर लगातार जलते हैं। इनका ऊष्मीय मान या कैलोरी मान उच्च होता है, यानी इनकी हम जरा सी मात्रा जलाएंगे तो इनसे ढेर सारी ऊष्मा निकलती है। आपको पता है 1 ग्राम LPG के दहन से 55 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, तो जरा सी मात्रा जलाओगे ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती है। इनका पूर्ण दहन होता है, इनके जलने के बाद राख, कोयला जैसे कोई अवशेष नहीं बचते। इनके दहन से कोई हानिकारक गैस या जहरीली गैस उत्पन्न नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती भी हैं, तो वो रंगहीन और गंधहीन गैसें हैं। पूर्ण दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो विषैली नहीं है, तो इस प्रकार कोई जहरीली या हानिकारक गैस भी नहीं बन रही। इनकी दहन दर नियंत्रित होती है, जब ये जलते हैं तो एक नियंत्रित दर से जलते हैं, और इसकी दहन दर को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार इतने अच्छे गुण होते हैं कार्बनिक यौगिकों में, इसलिए इनका उपयोग हम ईंधन के तौर पर करते हैं। तो कार्बन एवं उसके यौगिकों का अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब कार्बन और इसके यौगिकों को अधिक वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा या प्रकाश या गर्मी पैदा होती है। इन्हें एक बार जला देने के बाद निरंतर जलते रहते हैं, इन्हें अधिक ऊष्मा प्रदान करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा गर्म नहीं करना पड़ता इन्हें, ये धुआं उत्पन्न नहीं करते और उनसे हानिकारक गैस भी नहीं बनती, इनके जलने से अवशेष नहीं बचता तथा इनका कैलोरी मान उच्च होता है। तो जो बातें मैंने नीचे आपको बताई इन सबको एक साथ करके लिख देना, हाँ आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सबको मिला के लिख देना तो आपका उत्तर बन जाएगा कार्बन का उपयोग, कार्बन के यौगिकों का उपयोग हम ईंधन के रूप में क्यों करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।